बैक में हूँ अपना राजवराज आपके सामने एक्सट्रीम 125R और इसके मॉडिफिकेशन पहले दिखाऊंगा आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग जो कि इसके शॉर्ट कर दी गई है। सेंट्रल लॉकिंग का जो यूज़ होता है वो बताता हूँ आपको क्या होता है। सबसे पहले देख सकते हैं इसके अंदर ना ये हमने कर दिया लॉक। लॉक बोलो तो आपका इग्निशन एक तरीके से हो गया लॉक। जैसे कि अगर मैं चाबी ऑन करूँगा ना देखिए बजने लगे, क्योंकि कोई भी चोर वगैरह कुछ भी होता है या जैसे नहीं भी देनी गाड़ी पहले से अनलॉक बता दूँ। अब जैसे आपने लॉक लगाने किसी को चाबी दे भी दी है ना जिसको आप देना नहीं चाहते तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा यार ये क्या बज रहा है तुम्हारी में अपने आप। और रिमोट देने की जरूरत है नहीं, जब आपने नहीं देनी तो देनी है तो बात अलग है, आप दे भी सकते हैं। तो ये आपका लॉक का सिस्टम था जो कि आपके तौर लॉक लगाने के बाद ना दूसरी चीज़ और है कोई गाड़ी टच करना ये देखिए जैसे कि ये सायरन बजेगा फिर उसके बाद दोबारा से कोई छेड़ेगा तो ये सायरन थोड़ा सा लाउड हो जाएगा ये देखिए और ये पूरा 30 सेकंड बजेगा। आप चाहो तो ऐसे आप खुद भी इसे बंद कर सकते हो अनलॉक से, ये आपका हो गया बंद। और उसके बाद ये है सिस्टम इसका अलार्म का जो कि आपको देखने मिलेगा जैसे हम इसका अलार्म बजाएं। जैसे अलार्म बोले तो आपने कहीं गाड़ी खड़ी कर रखी है पार्किंग के अंदर इस तरफ, पार्किंग वाले क्या होते हैं आपकी बाइक को ले जाते हैं किसी और कोने के अंदर खड़ी कर देते हैं और आप जब जाते हैं तो बाइक वहाँ देख जहाँ आपने खड़ी करी थी बट वहाँ पर बाइक होती नहीं है तो फिर आप पता कैसे पार्किंग वाले से पूछोगे तो वो कहेगा भैया देखो है तो पार्किंग के अंदर ही बट आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। तो इसमें क्या सर्च कुछ खुद नहीं करना, ये खुद बता देगा, देखिए ये बता देगा कहाँ पर है गाड़ी आपकी, सायरन बज गया पता है आपको कहाँ बज रहा है। तो बंद करेंगे सेम फिर ये वही ये आपका अनलॉक। और उसके बाद इसमें जो आखिरी ऑप्शन है वो ये है ज़िगज़ैग का जो कि मिलता है आपको स्टार्ट का, इसको करते हैं डबल प्रेस ये हो जाएगी आपकी स्टार्ट। देखिए हो गई ये हो गई आपकी स्टार्ट जिसे कहते हैं हम जादू, ठीक है ना। और ये होता है वायरलेस अगर रिमोट से कहीं से भी आप मतलब मिनिमम 100 मीटर की रेंज होती है इसकी जिससे स्टार्ट कर सकते हो आप। और इसको भी ऑफ़ करने की क्या करना है देखिए ऑफ हो गई तो सारे फीचर मिलते हैं आपको एक ही रिमोट के अंदर। सिस्टम ने दिखा दिया आपको, इसको करते हैं हम सिस्टम को सिस्टम रोकते हैं इसको, नेक्स्ट दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। ये देखिए इसके अंदर लगा दिया गया वाइज़र जो कि आपको मिलता है इसके अंदर प्रॉपर फिटिंग वाला वाइज़र इसके इंस्टॉल कर दिया गया है जिससे लुक काफ़ी इनहेंस हो जाती है लगने के बाद। और इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा लीवर गार्ड जो कि देख सकते हो आप, ये लीवर गार्ड है जिससे आपके लीवर्स होते हैं पूरी तरीके से आप देख सकते हैं ये लीवर प्रोटेक्ट होता है क्योंकि हमने यह निशान लगा हुआ है अगर ज़रा सा भी इसमें लग जाए तो ये ब्रेक हो जाता है आपका। तो इसको पूरा सेफ करते हैं साथ में आपके हैंड को भी करते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। और गाड़ी का कलर ब्लैक है तो ब्लैक के इसके कॉम्बिनेशन दिया गया है ब्लैक एंड कार्बन का कॉम्बिनेशन है जो कि इसकी लुक भी इनहेंस करेगा और साथ में सेफ्टी भी देता है आपको। ऐसे उसी तरीके मिलेंगे आपको देख सकते हैं ब्लैक कलर के अंदर, ब्लैक आपका मिलता है आपका ये CNC के अंदर, ये मिलता है आपको रबड़ के अंदर, ये आपको मिल जाता है जिससे आपको फुल प्रोटेक्शन भी मिलती है और जब राइड करते हो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं राइड करते हुए ये वाला हैंड ग्रिप लगाने के बाद। और लेकिन हैंड ग्रिप की बताया तो जब भी हैंड ग्रिप लगवाते हो ना आप ये तो जो आपके ग्रिप ऑलरेडी लगे होते हैं ना उसको आपको हटवाना पड़ता है कटवाना पड़ता है तभी ये लगते हैं अदरवाइज नहीं लगते हैं। वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि ऐसे लग जाते हैं कुरियर के थ्रू मंगा लेते हैं और बाद में कहते हैं भैया ये तो आपने हमारे साथ गलत कर दिया क्योंकि अब हमें काटना पड़ेगा और हमें कटवाना नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए जो आते हैं उनको तो हम बता ही देते हैं, बाकी आप समझ चुके हैं मैं पूरा क्लियर करके देता हूँ आपको। साथ में इसके अंदर देखने में मिलेगा मोबाइल होल्डर, ये भी इसके इंस्टॉल कर दिए गए, इसे लगाने के बाद मोबाइल लगा के कहीं भी आप इजी टू राइड कर सकते हो अपनी किसी भी बाइक के अंदर। साथ में इसमें देखने को मिलेगा हैज़ार्ड, ये देखिए ये देख सकते हैं आप ये हैज़ार्ड है, जितनी बार मैं बटन पुश करूँगा उतनी बार ऑटोमेटिकली हो जाएंगे इसके पैटर्न चेंज। और ये मिलता है आपको 20-25 पैटर्न सिमटेक का ओरिजिनल मिल जाता है आपको, आपके जो ओरिजिनल इंडिकेटर होते हैं LED इसी के अंदर आपके इजीली लग जाता है। और इसकी मिलती है पूरे 1 साल की गारंटी आपको काउंटर प्रेस में। साथ में एक चीज़ और दिखाया था यहाँ पे यूँ ही तो हॉर्न और है ये देखिए जो इसमें लगा रखे मैंने, इससे हॉर्न लगाने के बाद क्या होता है आपको ना राइड करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि जब भी आप राइड करते हो तो लोग हटते नहीं हैं आपके सिंपल छोटे से हॉर्न से। इसमें ड्यूल हॉर्न जो लगा देंगे इसे आप इजीली राइड कर सकते हो अपनी किसी बाइक को। और साथ में आप देख सकते हैं ये बंद है ना, ये थोड़ा अंधेरे कर देगी दिख रहा है आपको, ये है इसकी आइस खतरनाक आइस जो बना दी गई है इसके अंदर आपकी एक्सट्रीम 125R के अंदर। ये दूसरी है जो मैंने करी है, पहले आपने देखा था मेरी लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने उसमें भी कर रखा था सेम वर्क भी है ना वही करा है जो उसके अंदर हुआ है। और इसके बाद नीचे देखने मिलेगी इसकी विंगलेट जो कि लगा दी है ब्लैक कलर की, विंगलेट लगाने के बाद लुक काफ़ी इनहेंस हो जाती है लगने के बाद और ऐसा लगता है वाइज़र और ये पार्ट दोनों पार्ट आपको ऐसा लगता है जैसे शायद कंपनी से ही ये लगे हुए हैं और लुक इनहेंस करने के लिए। और उसके बाद आपको मिलेगा इसके अंदर क्या, ये है आपका नंबर प्लेट होल्डर जो कि मिलता है प्रॉपर फिटिंग, देखिए ये है प्रॉपर फिटिंग कोई जुगाड़ नहीं है इसके अंदर, सिंपली इजी टू फिटेड है जो कि इसके अंदर लगा दिया गया है आपका। देख सकते लुक देख लो इधर भी सेम मिलेगा इस तरफ भी, नॉर्मली लोग क्या करते हैं किसी भी गाड़ी किसी में ठोक देते हैं पर अपना वो काम नहीं है, मैंने बनवा लिया है प्रॉपर इसी का ही किसी और का हम नहीं लगा रहे हैं इसके अंदर अब। और साथ में आपको मिलेगा इसके अंदर शॉकर प्रोटेक्शन फॉक्स लैडर जिससे आपका मडगार्ड शॉकर ये होता है पूरी तरह सेफ
और फ्लक्चुएटर से आपका ABS प्लेट डिस्प्लेट ये हो जाती है आपकी पूरी तरीके से सेफ। और गाड़ी का जैसे बताया कलर ब्लैक है तो कॉम्बिनेशन लिया गया इसका पूरा ब्लैक के अंदर, सेम इधर सेम देखने मिलेगा वो इस तरफ देख सकते हो, लुक इनहेंस हो जाती है लगने के बाद, साथ में सेफ्टी होती है पूरी तरीके से। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मेन चीज़ जो कि मिलता है आपको क्रैश गाड़ी। देखिए ये वही क्रैश गार्ड है जो मैं लगाता हूँ हर वीडियोज़ के अंदर, मैं आपको हर बार इसके अंदर बताता हूँ कि क्या क्या इसकी फैसिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि जब भी ये लगता है लगने के बाद आपके इसके TPFC खुद के आपके टैंक्स और लैक्स ये हो जाते हैं पूरी तरीके से सेफ़। क्योंकि जब भी गाड़ी गिरती है, क्योंकि आपको पता है अमूमन कोई भी बाइक हो वैसे बंदा कोई गिराना चाहता नहीं है, लेकिन मे भी आपके हाथ से स्किट भी हो जाती है तो यार नई बाइक है और इसका सामान मिलना ईजी नहीं है। एक बार अगर कुछ भी टूटा तो कंपनी वाले 1 से 2 महीने ले लेते हैं। तो बहुत ही सेफ्टी वाली फीचर से जो इसके अंदर लगाया हमने क्रैश गार्ड, लुक चेक आउट कर लो, एक स्लाइडर इधर ड्यूल स्लाइडर वाला आपको मिल जाता है इधर से। और देख सकते हो फिटमेंट चेक कराता हूँ कि एक मिलती है इस तरफ और एक मिलेगी फ्रंट के अंदर। और जो इस तरफ मैं दिखाता हूँ इधर आइए, मार्केट में लोग पता क्या कर रहे हैं, क्रैश गार्ड तो बेच रहे हैं बहुत सस्ता, बट है क्या बताता हूँ उसके बारे में भी। ये देखो ये आपको फिटिंग नहीं है, यहाँ पर जो आपको मार्केट वाला मिलेगा उसकी फिटिंग मिलेगी आपको इस तरफ अंदर, ठीक है ना, और हो जाएगा यहाँ तक इतना बड़ा, मतलब इतना वियर्ड है कि बस पूछो मत। यहाँ पे लिखा हुआ उसमें एक्सट्रीम 120R, बट लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है उसके अंदर, क्योंकि एक्सट्रीम की जगह वो लगता है शाइन SP, क्योंकि उसका ही कॉपी किया गया है SP वाला DN। और सबसे मेन बात उसके अंदर करेंगे पत्ती वाला जुगाड़, चाहे वो नीचे हो, चाहे वो आपका इस तरफ हो, चाहे वो इस तरफ हो, सब में मिलेंगी पत्तियाँ आपकी। जैसे कि ये देख सकते हो मैं गाड़ी हिलाऊंगा तो गाड़ी हिलेगी पूरी, खाली क्रैश गार्ड नहीं। और जब वो वाला लगा लो ना, अगर किसी ने लगा भी लिया 1200-1300 रुपये का आता है मार्केट के अंदर, मैं कोई कहता है तो ज़रूर मैं मंगवा देता हूँ, बटना वरना मैं उसे नहीं बेचता। और ये देख सकते हो मैं इस पर खड़ा भी हो गया, एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसा होता है। बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने दिखा रखा है पहले, पर कुछ टाइम से मैंने बंद कर दिया था। देखिए मैं खुद खड़ा होकर दिखाऊँगा इस पर, देखिए ये देखिए हो गया खड़ा, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो ये है मेरे क्रैश गार्ड की फैसिलिटीज़ जो मैं आप सबको देता हूँ, और इसकी मिलती है पूरी लाइफ टाइम गारंटी। जब भी आपके टूट जाता है अपना वेल्डिंग पॉइंट कहीं से टूट जाते हैं तो मैं करता हूँ इसको पूरी तरह चेंज खुद ही, क्योंकि हमारे खुद के बनते हैं, हम आफ्टर मार्केट से नहीं लेते हैं इसलिए। और अब आप ये बात इसके अंदर देख सकते हैं, ये इसका टैंक पैड जो कि इसके अंदर लगा दिए गए। गाड़ी का जो कलर है वो वैसे ब्लैक है, बट ब्लैक रेड और सिल्वर ये कॉम्बिनेशन इसके अंदर लगा दिया गया। लुक चेकआउट कर लो, उसे लगाने के बाद ना आपका टैंक हो जाता है पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि जब भी आप बैठते हैं तो क्या होता है बेल्ट का हिस्सा यहाँ पर टच होता है जिसकी वजह से टैंक पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। अब बात करता हूँ थाई पैड की, थाई पैड है, थाई पैड लगा दिए गए जो कि मिलता है ग्रे एंड ब्लैक की मैचिंग के साथ। ये भी आपके टैंक को करता है प्रोटेक्ट। वैसे तो भैया ने ना इसमें करा रखी है स्मोक लैमिनेशन, जिससे क्या है पूरी बाइक होगी इनकी सेफ, बट फिर भी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ये दोनों चीज़ें लगाई, साथ में लुक भी इनहेंस हो जाती है इसे लगने के बाद। और एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको, देखिए ये है आपका ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर, ये भी इसके अंदर लगा देगी। इसे लगाने के बाद पता क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट बताता हूँ क्या होता है, इसका जो ब्रेक पैंडल होता है ना वो देखो इतना तो चौड़ा होता है और इतना बड़ा होता है सिर्फ, तो काफ़ी छोटा सा होता है। और बारिश के मौसम में आपको पता ही क्या है, कीचड़ है, मिट्टी है, पानी है, कुछ भी लगता है आपके पैरों पर वो लगेगा लगे डेफिनेटली है, तो पैर स्किट होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो इस केस में ये लगा देगा इसके अंदर ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर। अब देखो मैं दिखाता हूँ इसके अंदर कितनी अच्छी इसके अंदर पकड़ आती है ब्रेक की, देखिए ये देख सकते हैं आप, कहीं से कहीं तक स्किट होने का खतरा पूरा का पूरा हो जाता है ख़त्म इसे लगाने के बाद। और साथ में इसमें लगा दिया डिस्क लॉक जो कि पवना का मिलता है आपको, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए। कहीं भी गाड़ी खड़ी करनी हो वैसे सेंट्रल लॉक है ही सेफ्टी के लिए, बट इससे भी एक एक्स्ट्रा सेफ्टी मिल जाती है आपको। इधर मिलेगा आपको गियर शॉक्स, ये गियर शॉक्स लगा दिए जिससे आपका शूज़ होता है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। इधर आपको देखने मिलेगा साइड स्टैंड एक्सटेंडर, जिसे लगाने के बाद आपकी बाइक कहीं भी खड़ी होती है ना साइड स्टैंड पर तो क्या होता है स्टेबल खड़ी हो जाती है आपकी बाइक, ऐसा नहीं कि आपको ये खतरा हो कि गाड़ी गिर रही है, कीचड़ है, पानी है, मिट्टी है, कुछ भी है, स्टेबल खड़ी रहेगी आपकी। और स्टैंड का जो नीचे का पंजा है ना वो भी आपका हमेशा सेफ रहेगा, घिसेगा बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद दिखाता हूँ आपको एक और चीज़, बहुत आइटम है इसके अंदर, क्या करूँ, एक्सट्रीम एक ऐसी बाइक है ना जिसके अंदर मैं बहुत कुछ बनवा रखा है मैंने। ये देखिए ये भी है इसका लेडीज़ फुटर जो कि मैंने बनवा दिया है इसका, जैसे आपने ओरिजिनल देखा होगा ना वही आपका सेम मिल जाएगा आपको देखने को। लेडीज़ फुटर देख सकते हैं, प्रॉपर फिटमेंट है आपको, कोई जुगाड़ नहीं है इसके अंदर, सिंपली इजी टू फिटेड है, देख सकते हो उधर भी और इधर भी ये मिलता है प्रॉपर फिटिंग वाला आपको, और बहुत ही हैवी क्वालिटी का है। इस पर भी ये लगा लो कि मेरे ऐसा बंदा भी चढ़ के इसमें आराम से बैठ सकता है, इतना हैवी हमने बनवाया है ये इसका लेडीज़ फुटर जो कि मिलता है आपको जर्मन। वैसे लोग क्या कर रहे हैं N160 का इसके अंदर लगा रहे हैं, जो देखो मैंने ये लगाया इस तरीके से, यहाँ पर वो आएगा आप यहाँ पर इतना नीचे, और उसका कोई वर्थ नहीं है मेरे हिसाब से लगवाने की, क्योंकि लगा के जब नीचे इतनी ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो क्या फ़ायदा उसे लगाने का। साथ में भैया ने इसमें लगा रखा है सीट कवर जो कि देख सकते हो आप, ये भैया ने लगवा रखा पहले से ही जब भैया लाए थे तभी। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, देखिए ये इसका साइलेंसर स्लाइडर, ये भी इसके अंदर लगा दिया गया, जिससे लगाने से
आपका पूरा एग्जॉस्ट प्लेट, एग्जॉस्ट सब कुछ होता है पूरी तरीके से सेफ, फुल सेफ हो जाती है आपकी बाइक, जो कि इसके अंदर पूरी सेफ्टी फीचर इसके अंदर लग चुका है। अब फाइनली मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मैनेज कर लेना प्लीज़। आओ भैया। तो हेलो सर, तो सर कैसे आप, कहाँ से आए और कैसा लगा? आदर्श नगर से आया हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं बहुत दिन की वीडियो देख रहा था भैया की, उसी देख के मैं यहाँ पे आया था। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छा काम लगा इनका, और सारे अच्छे क्वालिटी के इन्होंने इसमें लगाए हुए हैं सामान, और बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके। और ये बताइए कि मैं चाहूँगा कि मैं अपने फ्रेंड्स से सजेस्ट करूँ कोई यहाँ पे आके अपना काम कराए, वर्क कराए, बहुत अच्छा वर्क है इनका। आपने सिर्फ हमारी वीडियो देखी है, किसी और की वीडियो? मैंने सिर्फ भैया की वीडियो देखी है। देखिए सर, जी से हमारी वीडियो की देखी वीडियो। देखिए अब भैया को हमें गिफ्ट भी देंगे, क्योंकि भैया ने सिर्फ हमारी वीडियो देखी। चलो थैंक यू सो मच सर आने के लिए। तो देखो ये तो थी इन भैया की बाइक, जिनका हमने काम किया, इनका इनको कैसा लगा इन्होंने बता ही दिया। आपको भी अगर कराना आपकी अपनी किसी बाइक, किसी भी स्कूटी का काम, तो आप आ सकते हो आपके भी शॉप राजू भाई की शॉप पर, जो कि मिलता है दिल्ली के करोल बाग नावेलन के अंदर। जैसे आप झंडेवाल मेट्रो स्टेशन के अपोजिट आते हो, हनुमान जी की विशाल मूर्ति दिख जाएगी वहाँ पर, और उसके बाद एक ही रोड है आर्य समाज रोड, जिसमें मेरी शॉप है दोनों। तो जैसे ही आप आते हैं, आने का किससे पूछें, गफार वाला रोड सेम रोड, ये भी आर्य समाज रोड, बाइक मार्केट नायवलन रोड, वो भी आपके आर्य समाज रोड से होकर जाएगा। और अगर कार मार्केट है तो भी आपको इसी रोड से आना पड़ेगा। बिडनपुरा के लिए तो भी आपको इसी रोड से आना, मेन रोड से, जो कि आर्य समाज रोड। और पहले ही चौक पर मिलेगी आपको ये वाली शॉप, जिससे मैं जिसकी वीडियो जहाँ से देख रहे हो आप, और सेकंड मिलेगी आपको नेक्स्ट चौक पर, वो भी आपको मिलते हैं राजू भाई के नाम से। तो कहीं भी आ सकते हो आप काम कराने के लिए आपके अपनी शॉप पर। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, राजू भाई एसकेडी को, जो कि मिलेगा यूट्यूब पर भी, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर इसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मती देन, गुड बाय।